आगामी काळात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलंय. शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येकाची समाज आणि देशाची प्रगती शक्य असल्याने आगामी 2 वर्षात विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं आणि पोषण 50% कमी करून विद्यार्थ्यांना जीवन शिक्षणाच्या विद्येकडे नेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच येणाऱ्या काळात चांगले शिक्षक अध्यापक घडवण्यासाठी इंटिग्रेटेड बीए अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. 8वीं के छात्र को 5वीं का पाठ पढ़ने नहीं आता, 7वीं के छात्र को 4वीं का गणित नहीं करने आता. अगर ऐसी स्थिति है तो ये निश्चित देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि एक छात्र पर लगभग 24,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 2,000 रुपये महीने का खर्चा सरकार करती है. और अपने यहाँ 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उसमें 16 करोड़ सरकारी स्कूल में है, 1ली से 12वीं तक 16 करोड़ छात्र है सरकारी स्कूलों में, 11 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं. उन स्कूलों को कैसे अच्छा बनाए, यह हमारा पहला चैलेंज था. और इसलिए हमने एक काम शुरू किया, नेशनल असेसमेंट सर्वे गवर्नमेंट ही शुरू किया. और इस साल तीसरी पाँचवीं आठवीं और दसवीं के 20 लाख छात्रों का और 10वीं के 12 लाख छात्रों का एक एक दिन में पूरा सर्वेक्षण किया, बहुत अच्छे तरह से किया. अब उसकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तैयार की है, स्कूल वाइज प्रोफाइल तैयार की है कि भाई आपके स्कूल की स्थिति क्या है. यावेळी ज्ञान प्रबोधनीचे संचालक डॉक्टर गिरीश बापट, कार्यवाहक सुभाष देशपांडे, यशवंतराव लेले, डॉक्टर वान अभयंकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.